Dharm Yoddha Garud. जिस गति से आ रहे हो उससे दुगनी गति से वापस लौट जाओ। पहले माली और सोमाली ने मुझे भूख का अनुभव कराया, फिर अग्निमुखम के कारण मेरी भूख और भी बढ़ गई। और तुम दोनों ये बात तो जानते ही होगे कि यदि भूख लगी हो और भोजन ना मिले क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता। चले जाओ वापस। हमें बचा लो गरुड़, हमारे प्राणों की रक्षा करो, हमें अभय दान दो, रक्षा करो हमारी। प्राण रक्षा, अभय दान, वो भी उस शत्रु से जिसे तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। हम तुम्हारे शत्रु नहीं है। हमारी इच्छा के विरुद्ध जाकर हमें मृत्यु की धमकी देकर हमें असुर सेना में सम्मिलित होने के लिए विवश किया गया था, और अब असुरों की अकारण और अंतहीन हिंसा से तंग आ गए हैं हम। मैं स्वभाव से शाकाहारी हूँ, वज्रांग के आदेश से निर्दोष प्राणियों की हत्या करने के लिए विवश हूँ मैं। रक्तपात देखकर मेरा मन घबराता है गरुड़। असुरों का सैनिक बनने से पहले मैं वन का राजा था, और अब वज्रांग के आदेशों का दास हूँ। मेरी छटपटाहट की कल्पना करो गरुड़, दासत्व की पीड़ा दिन रात मुझे कचोटती है गरुड़। अब और सहन नहीं होता, मैं आखेट करना चाहता हूँ, परंतु केवल अपनी भूख की आवश्यकता मिटाने के लिए, किसी और के सत्ता पाने के लालच के लिए नहीं गरुड़। आखेट आवश्यकता के लिए होना चाहिए, लोभ के लिए, खेल के लिए या शक्ति के भोंडे प्रदर्शन के लिए नहीं। मेरी माँ ने भी मुझे यही सिखाया है, और आप दोनों ऐसा सोचते हैं ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पर वज्रांग भैया की सेना में आप दोनों को रहना नहीं है, तो फिर ये बात आप उन्हें क्यों नहीं बता देते? क्योंकि वो कभी नहीं समझेंगे, हमारे प्राण ले लेंगे वो, या फिर ऐसा जीवन जीने पर विवश कर देंगे जो कि मृत्यु से भी भयानक होगा। हमें उनके अधीन हुए बहुत वर्ष हो गए, लेकिन आज तक ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला जो उनको चुनौती दे सके। केवल आप ही हैं जो संजीवनी विद्या के बिना भी मृत्यु के द्वार से सकुशल वापस आए हैं। यदि समस्त संसार में कोई हमें वज्रांग के क्रोध और दंड से बचा सकता है तो वो केवल तुम हो भाई गरुड़, केवल तुम। तुम्हारी शंका हमारी मृत्यु का कारण बन जाएगी गरुड़, संदेह नहीं सहायता करो, हमारे प्राणों की रक्षा करो, हमें बचा लो गरुड़। आप मुझसे बड़े हैं, उठिए, ये मेरे पैर मत छू। नहीं नहीं, मैं नहीं हटूंगा, चाहे तुम कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, मैं अब ये पांव नहीं छोड़ूंगा गरुड़। तुम में से कोई एक उसका ध्यान भंग करेगा और दूसरा उसी क्षण उस सीमा रेखा को पार कर अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। छल हुआ मेरे साथ, फंस गया गरुण, फंस गया।
हे सूर्यदेव, अरुण भैया, आप दोनों ने मेरी सहायता की। आपके ही कारण मैं अदिति माँ की तपोभूमि की रक्षा कर पाया और माँ को दिया वचन भी निभा पाया। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है इस पक्षी के पास जिसके कारण हमारा प्रत्येक प्रहार विफल हो रहा है? ना ये बल से पराजित होता है और ना ही छल से। क्रोध से भी नहीं होगा सेनापति, बुद्धि का उपयोग करना होगा। यदि इसके पास अदृश्य शक्ति है तो उसकी काट के लिए हमें भी अपनी अदृश्य शक्ति का प्रयोग करना होगा। ऐसी कौन सी शक्ति है हमारे पास? माँ पाताल भैरवी। स्मरण कीजिए सेनापति, घनघोर तपस्या के कारण आपको वरदान मिला था। जब भी आपको आवश्यकता होगी, देवी माँ आपकी सहायता के लिए अवश्य आएंगी। उत्तम सिंहिका, सही समय पर सही उपाय सुझाया है तुमने। परंतु माँ का क्रोध अत्यधिक प्रबल है। यदि हमने एक पक्षी का वध करने के लिए माँ का आह्वान किया और उन्हें उचित नहीं लगा तो? उचित अनुचित के लिए अब विलंब हो चुका है सेनापति। पहले ही हमारी माता दिति चिंतित हैं। यदि देव माता की तपस्या भंग करने का अपना वचन हम पूरा नहीं कर पाए तो कितनी निराश होंगी वो, कितना दुख पहुंचेगा उन्हें। सही कहा तुमने, असुर है हम। उचित अनुचित वाद विवाद व्यर्थ है। हमें किसी भी प्रकार अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करना है। यही हमारी रीति है और नीति। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।